नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 103 में है, 100 रुपये के आसपास है, गिरावट रही है स्टॉक में। और तीसरी तिमाही के नतीजे आने थे, Q3 FY22 के नंबर्स को चेक करते हैं। टोटल इनकम की बात करेंगे, प्रॉफिट मुनाफे की बात करेंगे और EPS क्या रहा है उसकी बात करेंगे। ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान था सालाना बढ़ के आ सकता है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कमी पेशी रह सकती है दोस्तों। तो आइए चेक करते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के Q3 के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। रेवेन्यू की बात करते हैं, तीसरी तिमाही में 25,246 करोड़ का है और Q2 में 26,828 करोड़ का था और 31 दिसंबर 2020 में 19,835 करोड़। अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए 25,398 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है 31 दिसंबर 2021 में। Q2 में 27,007 करोड़ का था और 31 दिसंबर 2020 में 19,997 करोड़। सालाना तो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, लगभग 5,000 करोड़ ऊपर की तरफ है और बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो कम है, जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान था। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं, 23,209 करोड़ का है और Q2 में था 21,289 करोड़ का और Q3 FY 2020 में 16,406 करोड़ का था। इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है 25,398 करोड़ का है और जो खर्चा किया है 23,209 करोड़ का किया है। कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते तो 2,005 करोड़ का है और Q2 में 5,098 करोड़, साल भर पहले 3,814 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं, इस क्वार्टर में 1,528 करोड़ का है और Q2 में 4,338 करोड़ का था और साल भर पहले 1,468 करोड़ का था। तो इस क्वार्टर में 1,528 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। सालाना देखते तो बढ़ के हुआ है बट ये कि आसपास ही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो बहुत कम है ये, और जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान था तो उसी के अनुसार है बट ये कि सालाना भी देखते हैं तो ज़्यादा बढ़ा नहीं है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करें तो 1,394 करोड़ का है, Q2 में 4,410 करोड़ का था और एक साल पहले 1,431 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 3.70 का है और Q2 में था 10.5 का और साल भर पहले 3.55 का। Q3 FY22 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो परफॉर्मेंस है, टोटल इनकम तो बढ़ के आया है सालाना बट तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो कम है, बट ये कि टोटल इनकम 25,398 करोड़ का है दोस्तों और जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान था उसी के आसपास का है और सालाना एक तरह से बढ़ के आया है टोटल इनकम बट प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि एक्सपेंसेस इन्होंने ज़्यादा किया है इस क्वार्टर में, 23,209 करोड़ का किया है तो इसीलिए प्रॉफिट कम है, 1,528 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और EPS 3.70 का है। तो दोस्तों ये तीसरी तिमाही का अपडेट था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 42,792 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 109 रुपये का और EPS अर्निंग पर शेयर है 31 का। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का जो रिटर्न है 130% का है, 1 साल का रिटर्न 55% का है, स्टॉक में गिरावट है ऊपरी तरफ से तो 1 साल का रिटर्न अभी भी 55% का है, 3 साल का रिटर्न 130 का है, 3 महीने का रिटर्न माइनस में है, 16% माइनस में है 3 महीने का, बट ये कि 3 साल का जो रिटर्न है 130% का जबकि स्टॉक में गिरावट भी। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।